अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। जगह की कहानी है, बंदे बंदे की कहानी है, वेट लूज करना है। तो मैंने कहा चलें आज एक ड्रिंक बनाते हैं, जो कि अभी से स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर पीना। तो जब तक गर्मियाँ आती हैं तो तब तक वेट भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, वेट भी टाइम लगा के कम होता है, इतनी जल्दी नहीं जाता। सो हमें थोड़ा सा अर्ली प्रेप जो है स्टार्ट कर लेनी चाहिए, जिस जिसको वेट का इश्यू है। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने एक ये कप लिया है, ग्लास कप जो भी, ठीक है, पानी का। उसमें मैंने अदरक डाला है, जिंजर जो होता है, ठीक है, आधा जो तकरीबन इतने साइज़ का था उसको भी मैंने हाफ करके, उसके तीन टोटे करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, और साथ में मैंने इसमें एक जो है टीस्पून अजवाइन की डाली है। ठीक है, फिर जो है मैंने इसको ढक के रख दी है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, रात पूरी भी रख सकते हैं, तो या आप इसे 3-4 घंटे रख के तो निकाल लें फ्रिज से। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है कि इसमें जो है पैन को ऑन करके इसमें जो है ये पानी डाल देना। ठीक है, वो जितना भी मिक्सचर था अदरक का अजवाइन का वो हमने इसी में ऐड कर दिया पानी में। ठीक हो गया, तो इसको जो है उबाला आने देना है। ठीक है, देखें इसमें अब उबाला आ गया। ठीक है, तो इसे जो है हम तकरीबन 10 मिनट तक ना इसको हल्की आंच पे उबलने देंगे। ठीक है, जब इसका एक कलर सा निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे येलो सा, एक लाइट येलो सा एक कलर आता है इसमें से, ठीक है, तो तब ये समझें कि आप ये रेडी हो गया। है 10 मिनट इसे हो गए हैं पकते हुए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसे निकाल के तो वापस उसी कप में या किसी और चीज में जिसमें आपने आपको सही लगता है आप उसमें डाल दें। ठीक हो गया, तो ये देखें इसका जो है इस तरह का कलर निकलेगा, सही है। अब जो है इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठीक है, आप ऊपर प्लेट दे दें, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगा के तो इसको दोबारा से फ्रिज में रख दूंगी। ठीक है जी, ये तो था इसके बनाने का तरीका। ठीक है, अब आ जाते हैं इसको पीना कैसे है। ठीक है, तो पीने के लिए मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों को थोड़ा सा मैदे का इश्यू है कि कोई गर्म या कोई ताकतवर चीज़ खाते हैं तो उनके मैदे में दर्द हो जाता है या गर्मी हो जाती है, तो वो जो है इसको हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें। ठीक है, बीच में कुछ डेज का गैप दें, पहले दिन जो यूज़ किया उससे लेके नेक्स्ट टाइम तक। ठीक है, और जिन लोगों को कोई इश्यू नहीं है वो इसको डेली बेसिस पे भी पी सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके कंसल्ट करके तो देख सकते हैं पहले, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसमें कोई साइड इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो आते हैं जिनको थोड़ा इश्यू होता भी है मैदे का ना, वो इसके जो है डायरेक्ट ना पिए, वो आप जब 2 दफ़ा हफ्ते में पिए उसमें भी आप जो है अगर ग्लास आप ले रहे हैं या कप, वो आप एक कप लें या ग्लास पानी का, ठीक है, वो भी नीम गर्म पानी कैटल में बॉईल हुआ हुआ। ठीक है, उसमें जो है आप ये 3 जो है टेबल स्पून्स ये वाला ड्रिंक जो है पानी ऐड करके तो पी जाए। ठीक है, जिनको नहीं है इशू वो जो है इसको डायरेक्टली जो है 3 से 4 चम्मच जो है टेबल स्पून्स के पी सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, ये आपको जो है आपके जिस्म की बादी भी ख़त्म करता है, आपका फैट भी कम करता है। ये था हमारा वेट लॉस ड्रिंक, तो
तो आई होप कि ये आप के लिए यूज़फुल होगा, ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला, तो बताइएगा कि कैसा आपने फ़ील किया या कैसे रिज़ल्ट मिले हैं आपको। ये भी याद रखना कि हमने अपनी जो बाकी की डाइट है उसको भी कंट्रोल रखना है, ठीक है, एहतियात करना है खाने में, और इंशाल्लाह ताला इसका भी हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।